अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद लेयर कॉलोनी में हो रहे रेलवे पुल को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव के सामने दर्ज कराया विरोध। पुल निर्माण कर रहे एक्सचियन को सांसद ने मौके पर बुलाया। लगभग 50 पेड़ों को कटने, सीवर लाइन, पानी लाइन के बारे में योजना को जाना, पुल की रैंप को जबरन बढ़ाने को लेकर उठे सवाल। एक्सचियन पर नहीं मिले सांसद के सवालों के जवाब। फिलहाल में थाने के आगे नहीं होगा निर्माण। जनता ने लगाए सांसद जिंदाबाद के नारे। लगभग 100 से 150 लोगों के बीच हुई बातचीत। 2 घंटे से ज़्यादा सांसद ने जनता की सुनी बात। इंडिया लाइव न्यूज़ से अंकित कुलश्रेष्ठ की यह रिपोर्ट। लोगों का देखा जा रहा है विरोध हो रहा है पुल निर्माण को लेकर, क्या कारण है कि आज जनता विरोध कर रही है इस चीज़ का? इसमें दरअसल में जगह जो है 14 मीटर लोगों के मकान आ रहे हैं, 1 मीटर से 1 मीटर 70 सेंटीमीटर तक, 1.5-2 मीटर तक लोगों की लंबाई, इधर रिटेनिंग व थाने की इस तरफ जो लेबर कॉलोनी की तरफ मकान आ रही है, तो कुछ लोगों के मकान जा रहे हैं, तो उसमें उनका ये कहना है कि चौड़ाई कम कर दिया जाए। और ये चौड़ाई ऑलरेडी पुल में 18 मीटर से 14 मीटर कर दी गई है। जो पुल के लिए स्टैंडर्ड 18 मीटर चाहिए होता है, उससे ये 14 मीटर में रेलवे लाइन से यहाँ तक बन गया है। अब इसको जो 130 मीटर बचा है वो 14 मीटर जगह है, उस पर कुछ लोगों मकान आ रहे। माननीय सांसद जी ने मौके पर कहा कि कम से कम लोगों को नुकसान हो, उस नुकसान को बचाने के लिए हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। और उनकी जो है उनका कहना इसकी लंबाई कम हो, तो उसके लिए यहाँ के यही है जेई है, इनकी मैं मीटिंग करूँगा शाम को, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएँ इसमें हो सकती हैं, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन पुल के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले क्या इस चीज़ की कवायद नहीं की गई थी? नहीं, पुल का लंबाई और जो कुछ था, ये पुल 2017 में शुरू हुआ है और 2017 से आज तक जो है इस पर अभी तक ऐसी कोई बात, मुझे यहाँ पे एक सवाल साल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसकी ड्राइंग 2017 में ही फाइनल हो गई थी। चूँकि ये पुल अब थाने से इधर बनना है, तो मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ये अगर पहले से ये स्थितियाँ होती उन पर काम किया जाता, लेकिन चूँकि जगह कम है, फ्लाईओवर कम से कम जगह में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग में जाम ना लगे, तो ऐसी स्थिति प्राय शहरों के अंदर जो रेलवे स्टेशन के आसपास फ्लाईओवर जहाँ भी बनते हैं वहाँ दिक्कतें आती हैं, लेकिन जनता का भी ध्यान रखा जाएगा। सीवर लाइन भी है, जेड़ा जाल भी? सीवर लाइन नहीं है, जो भी लाइन है हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं, ये यहाँ की जेई है, ये कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पुल बन गया वहाँ तक, और बस 100-125 मीटर में रह गया। सांसद जी भी आए तो किस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में? सांसद जी का कहना है कि इसकी लंबाई कुछ कम कर दी जाए, तो उस लंबाई के लिए ये यहाँ के एई हैं, ये जेई है, इनको मैंने कहा भाई तो हमें बताओ क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि ड्राइंग जो अनुमोदन होती है वो होती है हेडक्वार्टर और PWD से, उसके अनुसार जो है पुल की जो स्टैंडर्ड मानक हैं उस मानक के हिसाब से पूरा स्लोप है, सब कुछ है, उस स्लोप को कम किया जाएगा या कुछ किया जाएगा वो माननीय सांसद जी ने कहा कि हम आपको आपके हेडक्वार्टर बात करेंगे और भी देखेंगे, आपके उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय निकल के आएगा या जो संभावनाएं उस पर आगे बात की जाएगी। सांसद जी, आज यहाँ आप लेबर कॉलोनी में आए हैं, किस तरह की समस्या थी और आज लोगों ने अपना आपके समक्ष रखा है, क्या समस्या थी? जो रेलवे ब्रिज बनना है उसके बनने से आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं, वो हैं कुछ पेड़ कट रहे हैं, कुछ बिल्डिंग आ रही हैं। मेरा कहना है कि जनता की मांग है कि चौड़ाई अगर कम न हो सके तो लंबाई तो कम कर दी जाए, अगर लंबाई कम नहीं होगी तो हरगिज यह पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये हमारा चैलेंज है। अच्छा सांसद जी, देखा जा रहा है कि यहाँ पाइपलाइन भी पहले से बिछी हुई है, 11 हज़ार की लाइन भी है, सीवर लाइन भी है, तो क्या निर्माण कर जो निर्माण कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, क्या इन्होंने इस बात की पहले जांच नहीं की थी जो अब ये समस्या निकल कर आई है? जांच तो उन्होंने की है और किसने ये समझ पाए ये लोग जाना है। तो आपके द्वारा किस तरह का निराकरण किया गया है आज? हमारे द्वारा इन्होंने किया है कि चौड़ाई अगर कम नहीं हो पा रही है तो लंबाई तो हर हालत में कम होनी चाहिए, जिससे बिल्डिंग और पेड़ पार्क टूटने पाए। क्या नाम है आंटी आपका? अंजलि राठौर। अच्छा अंजलि जी, ये बताइए आज सांसद जी आए थे, किस चीज़ का विरोध आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? यही किया जा रहा है कि इधर इतनी सिविल लाइन है और क्या बोलते पानी का है और 33,000 की लाइन है, और नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि बने हुए भवन का चौड़ाई की वजह से नुकसान होगा। किस चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है? पुल की वजह से, ये पुल बनना है इसके लिए जी हाँ, जो चौड़ाई जो ली जा रही है उस वजह से। आप सांसद जी आए, किस तरह का आश्वासन दिया सांसद जी ने? उन्होंने यही कहा कि उसकी लंबाई कम कर दी जाए, वहीं तक रखा। तो आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि सांसद? हाँ जी हाँ, हमारा नुकसान नहीं होगा तो हम संतुष्ट हैं भाई। नहीं किसी का नहीं होगा। सांसद जी ने जी हाँ।